गौतम बुद्ध के विचारों एवं उपदेशों को लोग सिर माथे पर बिठाते हैं, उनका पालन करते हैं, लेकिन उनके जिस एक विचार के बारे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप वाकई चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार किसी व्यक्ति की एक तो नहीं बल्कि चार पत्नियाँ होनी चाहिए। जी हाँ, ये स्वयं गौतम बुद्ध का ही कथन है। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा तथा इसके पीछे क्या रहस्य है, इस बात का उत्तर इस छोटी सी कहानी में छिपा है, जिसका सहारा लेते हुए गौतम बुद्ध ने ऐसी बात कही थी। आगम सूत्र में अंकित ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसके चार पत्नियां थी। ये उस समय की बात है जब पुरुषों के लिए एक से अधिक पत्नी होना सामान्य बात थी। उस व्यक्ति के जीवन में सब अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक से वो बीमार हो गया। धीरे धीरे उसकी बीमारी असाध्य हो गई। अंततः उसे समझ आने लगा कि उसका अंतिम समय अब निकट ही है। इस बात का आभास होने पर वो काफी अकेला और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी पहली पत्नी से प्रश्न किया, प्रिय, मेरी मृत्यु काफी नजदीक है, बहुत जल्द मैं अपना शरीर त्याग कर इस जीवन से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले ही ये सफर नहीं तय करना चाहता। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और अब भी करता हूँ, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी जहाँ भी मैं जाऊँ? इस बात को सुनकर कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति की पत्नी मौन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे, लेकिन कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर उत्तर दिया, स्वामी मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे बहुत लगाव रखती हूँ, परंतु अब आपकी मृत्यु के साथ ही हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। ये कहकर पहली पत्नी ने अपने पति से विदा ले ली। तब वह व्यक्ति उदास होकर अपनी दूसरी पत्नी के पास पहुंचा। उससे भी उसने वही सवाल किया और कहा, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी ने बेहद विनम्र तरीके से अपने पति के प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। अब वो व्यक्ति बेहद उदास होकर अपनी तीसरी पत्नी के पास गया और उससे भी वही प्रश्न किया, परंतु यहाँ भी उसके हाथ सिर्फ निराशा ही आई। अंत में उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया। अब तक वो सारी उम्मीदें खो चुका था, अतः वो कुछ देर तक चुपचाप अपनी पत्नी को देखता रहा। आखिरकार उसने बहुत हिम्मत करके अपनी चौथी पत्नी से भी वही सवाल किया, क्या मरने के बाद मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम मरने के बाद भी मेरा साथ दोगी? इस सवाल को चौथी बार दोहराते हुए उस व्यक्ति की आवाज़ में बहुत हिचकिचाहट थी। इस बार उसकी अपेक्षाएं काफ़ी कम हो गई थी, किंतु तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी, आप मुझे जहाँ भी लेकर जाना चाहें मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, मैं तो स्वयं भी आपसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे भी साथ लेकर चलिए। इस कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि हर पुरुष एवं महिला के पास चार पत्नियां एवं चार पति होने ही चाहिए, ताकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिल सके। किंतु कहानी में बताई गई चार पत्नियों को गौतम बुद्ध ने जीवन के एक खास पहलू के साथ जोड़ा है। गौतम बुद्ध के अनुसार कहानी में पहली पत्नी हमारा ये शरीर है। मनुष्य कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, लेकिन उसका शरीर मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य। मृत्यु के बाद कैसा भाग्य, मृत्यु ही तो अंत है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन मृत्यु के बाद हमें जो मिलता है वो एक नई शुरुआत ही है, इसलिए हम अपने भाग्य को कभी साथ नहीं ले जा सकते। कहानी में तीसरी पत्नी से तात्पर्य है रिश्ते। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का किसी से भी कोई संबंध नहीं रहता, जब तक उसे नया शरीर न मिल जाए तब तक उसका कोई सगा संबंध ही नहीं होता। गौतम बुद्ध के अनुसार चौथी पत्नी हमारे कर्म है। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होगा, नर्क प्राप्त होगा या फिर नया जीवन, ये हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। आपको महात्मा बुद्ध का ये विचार कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो ऐसी और भी रोचक कहानियों के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।